सबसे पहले दो दिन मैंने वीडियो नहीं डाली उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि दो दिन में थोड़ा सा बिजी था शेड्यूल मेरा, तो टाइम नहीं मिल पाया वीडियो शूट करने का। अब मैं पूरी वीडियो कंप्लीट करा दूंगा, दो तीन चैप्टर ही हालांकि रह रहे थे आपके, और एग्जाम तो अभी कहाँ है, दो महीना है, ठीक है। तो आज हम करवाने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 16 जो है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। ये सीरीज जो बन रही है, ये सीरीज बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम के जो बच्चे हैं सेमेस्टर थर्ड या फिफ्थ के, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें एसएलटीयू के सारे चैप्टर्स बुक वाइज मैंने कवर करवाए हैं पूरी सीरीज में। अगर आपने नहीं देखे इससे पहले के चैप्टर, तो भाई सारे चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरे 15 चैप्टर डाल चुका हूँ, जाके उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक एक करके सारे देख लेना। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के नोट्स भी रेडी हो चुके हैं। जिस बच्चे को नोट्स खरीदने हैं तो वो इस नंबर पे मैसेज करे व्हाट्सएप पे कि हमें नोट्स परचेज करने हैं, और वो इजिली मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को खरीद सकता है, ठीक है। तो नोट्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करो या कॉल करो, ठीक है। और दूसरी चीज कि आज हमारा ये लास्ट थर्ड लेक्चर होगा, आज हमारा लास्ट थर्ड है, इसके बाद दो लेक्चर हो जाएंगे, फिर आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 5 पूरी की पूरी। नोट्स में आपको सारी यूनिट्स मिलने वाली भाई, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे अब करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 16 हमारा, कंटेम्परेरी इशू इन मार्केट 1। कंटेम्परेरी इशू इन मार्केटिंग 1, ये हमारा जैसे आपको दिख रहा है मार्केटिंग 1 है। 1 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि पार्ट सेकंड भी होगा कुछ ना कुछ इसका, बिल्कुल है, अगला पार्ट सेकंड ही इसका जो आएगा अगली वीडियो में आएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कंटेम्परेरी इशू, ऐसे क्या इश्यूज होते हैं, कौन कौन से तरह के इश्यूज होते हैं मार्केटिंग में जो आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेम्परेरी इशू बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है रिलेशन मार्केट, क्या होता है रिलेशन मार्केट। दूसरा जो हम इशू पढ़ेंगे वो सस्टेनेबल मार्केट का आएगा। तीसरा जो हम इशू पढ़ेंगे वो रूरल मार्केट का आएगा, ठीक है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपके जो कंटेम्परेरी इशू है उसमें टोटल 3 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो इशू है वो आएगा आरएम का, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो एसएम आएगा, तीसरा जो आएगा वो आपका आएगा आरएम का फिर से, ठीक है। रूरल मार्केट और रिलेशन मार्केट और एक सस्टेनेबल मार्केट, ठीक है। हम इसी के बेनिफिट्स पढ़ेंगे, इसी के एडवांटेजेस पढ़ेंगे और इसी के लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इससे ज्यादा चैप्टर में पूरा कुछ नहीं है, ये आप कवर कर लोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे नंबर 1, रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये क्या होती है, जैसे कि मार्केटिंग के नाम से आपको पता चल रहा है रिलेशन मार्केट है। रिलेशन मतलब होता है एक संबंध बनाना, एक रिश्ता बनाना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता एक वेंडर और एक सेल्स पर्सन का कहलाएगा, ठीक है। जो सेल्स पर्सन है या फिर जो बायर है वो कहलाएगा, ठीक है। बेचने और खरीदने वाले का रिश्ता कहलाएगा। तो रिलेशन मार्केटिंग में जो कंपनीज होती है या जो बोल सकते हो वेंडर्स होते हैं या जो सेलर्स होते हैं, वो एक रिश्ता क्रिएट करते हैं। किसके साथ रिश्ता बनाएंगे भैया ये बताओ। तो वो एक सामने जो भी बंदा परचेस करता है, सामने जो बायर है उसके साथ एक रिलेशन कनेक्ट करते हैं, ताकि वो अगली बार जब शॉपिंग करने आए तो वो उन्हीं की शॉप में आए। एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना होता है, कनेक्शन बिल्ड करना होता है लोगों के अंदर, कि जब वो कनेक्शन बिल्ड कर देंगे ना अच्छे से, तो लोग अगली बार उन्हीं की शॉप में आके विजिट करेंगे। जब वो उनकी शॉप में आएंगे तो दोबारा से उनसे लेंगे, क्योंकि उनको वो वैरायटी, वो माल, वो बोलने का तरीका और वो दिखाने का तरीका, उनको सब चीज पसंद आएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिलेशन मार्केट। लिखा है यहाँ पे दैट सेंटर ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस। देखो मैंने क्या बोला, ये रिलेशन बिल्ड करता है, तो इसमें खुद ये मेंशन है कि दैट सेंटर कह रहा है इसका जो फोकस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो क्या करता है बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग मतलब बनाना, बनाता है रिश्ते, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस, लंबे समय के लिए चलने वाले कनेक्शंस, तार जोड़ता है दोनों के, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल्स पर्सन जो बेच रहा है, ये हो गया कस्टमर जो खरीद रहा है। तो इसका और इसका क्या हो रहा है, दिल के रिश्ते जुड़ने चाहिए, ठीक है। जब दिल के रिश्ते जुड़ जाएंगे तो इनका क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, हर बार ये सामान लेने इसी से जाएगा और ये हैप्पी हैप्पी होके आएगा। कैसा आएगा भैया, हैप्पी हैप्पी होके आएगा, रिलेशन बन गया ना, रिश्ता रिश्ता जुड़ गया। जैसे कि आपका हमारा हमारे चैनल से कनेक्ट हो गए, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की सारी चीज मिल गई ना आपको, सारा हैप्पी हैप्पी लगेगा भाई, ऐसा रिश्ता। आगे लिखा उसके बाद विद कनेक्शन, यहाँ लिखा है विद सॉरी कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग स्लोली एंड स्लोली ऑन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि जो कस्टमर है
उनके ऊपर फोकस होना चाहिए, और बेसिकली चाहे वो स्लोली हो या फिर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन हो, कैसे भी ट्रांजेक्शन हो, कोई से भी ट्रांजेक्शन हो, बस हमारा एक फोकस होना चाहिए कि कस्टमर बिल्ड करने भाई, कस्टमर बिल्ड करने हैं, कस्टमर गेन करने हैं। जैसे मेरा एक एम है, चैनल पे आए, यूट्यूब पे आए, तो यूट्यूब पे पैसा तो कमाना, वो तो सेकंड प्रायोरिटी है, पैसा कमाना सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, समझ गए यार, फर्स्ट प्रायोरिटी भी वही कह सकते हो, बट वो मेरी तरफ से सेकंड प्रायोरिटी है, आप सोचो शायद पैसे के लिए, बट फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि अपनी ऑडियंस गेन करना। ये मैं पढ़ा किसके ले रहा हूँ, पैसा तो आएगा ही, मगर पैसा कब आएगा, जब फर्स्ट प्रायोरिटी ऑडियंस देखेगी। पैसा कब आता है, जब ऑडियंस देखती है, जब आप लोग इसको वॉच करोगे, आप लोग देखोगे, व्यूज आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कस्टमर बनाना, अपने जो अपने सब्सक्राइबर हैं वो बनाना, फैमिली बनाना, तो कस्टमर बिल्ड करना है सबसे पहली प्रायोरिटी, ठीक है। पैसा तो आएगा, बाद में आता जाता रहेगा, हाथ की मैल है, ठीक है। पहले बोला होता मैंने, दो तीन बार नहा लिया वैसे है। अच्छा, उसके बाद लिखा है इट प्रायोरिटी टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। मैंने बताया था पहली प्रायोरिटी कस्टमर्स की जो नीड है उसको आपको देखना है, दूसरी होती है भाई प्रेफरेंसेस, और तीसरी होती है बिहेवियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, उसकी नीड, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उसकी नीड्स क्या क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या क्या है, कि वो चाहता क्या है, क्या चीज वो लेना है, सेटिस्फाई कैसे कर सकते हो आप किसी कंज्यूमर को, ठीक है। अब वो लेना है शैम्पू की बोतल, आप उसको कोको कोला ठंडा पकड़ा रहे हो, आप कुछ दुकानदार होते हैं उल्लू बनाने में माहिर होते हैं, तो कस्टमर जो लेने आएगा उसको उसकी जगह और चीजें चेप देते हैं, सर ये अच्छा है, आपकी वाइफ को अच्छा लगेगा, सर ये अच्छा है, और वाइफ हालांकि घर पे जाके फिर उसको गुस्से और लाल निगाहों से घूर रही होती है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, कस्टमर नीड्स और प्रेफरेंसेस को चेक करना। अगला आता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप मार्केट कितने टाइप्स का होता है, कितने तरह का होता है। पहला आता है ट्रांजेक्शनल, देखो मैंने अभी ऊपर बताया था ट्रांजेक्शनल, ठीक है, ट्रांजेक्शन मार्केट, यहां पर सीधा पैसों में विनिमय होता है, पैसे ले चीज दे, चीज ले पैसे दे। तो बस ट्रांजेक्शनल मार्केट बेसिकली एक ऐसी मार्केट है जहां पे मनी का काम बहुत ज्यादा होता है, पैसे जो है पैसों पे बेस्ड होती है, पूरे पूरे पैसे आएंगे, चीजें बिकेंगी, फटाफट सेलिंग होगी, तो ट्रांजेक्शनल है, ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन उठते रहते हैं। यहाँ कोई आपको बिल नहीं मिलेगा उस चीज का, कोई एक वैल्यूअर इनवॉइस वगैरह नहीं मिलेगा, आप नॉर्मली एक वर्बली सेल होती है ट्रांजेक्शनल मार्केट। सेकंड आती है कंज्यूमर मार्केट, एक ऐसी मार्केट रिलेशनशिप मार्केट में, दूसरी आती है कंज्यूमर मार्केट, जहां कंज्यूमर बनाए जाते हैं, गेन करे जाते हैं, कंज्यूमर कमाने पड़ते हैं। कैसे, कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो अपना फोकस कंज्यूमर गेनिंग पे करती है, अगर एक बार कंज्यूमर बिल्ड हो गया तो वो अगली बार आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होती है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केटों के बाद आते हैं बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। ये मार्केट कंज्यूमरों के लिए निषेध है, जैसे कि आपको लिखा रहता है अल्कोहलिक निषेध है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसे ही बी टू बी मार्केट कंज्यूमर के लिए निषेध होती है। क्यों, देखो बी टू बी में क्या लिखा है, बी टू बी मतलब बिजनेस, इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब आप बिजनेस से बिजनेस में कुछ खरीद रहे हो तो यहाँ पर कस्टमर का तो काम ही नहीं है, यहाँ पर चीजें थोक में मिलती है, कहने का मतलब है। अब कस्टमर जो जाएगा वो अपने घर के लिए सामान लेता है, तो अगर कस्टमर जाएगा शैम्पू कंडीशनर बिस्किट टी शर्ट जो भी कुछ बाय करेगा, तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, एक दो तीन मैक्सिमम पांच दस, उससे ऊपर नहीं करेगा ना, सट जाएगा। बट बिजनेस जो है ना वो कम से कम हजार दो दो हजार की क्वांटिटी बाय करता है, तो यहाँ बिजनेस टू बिजनेस है, यहाँ पे खुले सौदेबाजी वालों का काम नहीं है कि दस रुपए तुरे, ऐसे लोगों का काम नहीं है यहाँ। यहाँ वो लोग आते हैं जो बड़े बड़े पैमाने पे बिजनेस करते हैं और बड़ी बड़ी सेलिंग करते हैं, ठीक है। अगला आता है उसके बाद पर्सनलाइज्ड। देखो ये कुछ मार्केट होती है पर्सनलाइज्ड, जिसको बोल सकते हैं चोर बाजार टाइप, ठीक है, जो बड़े खोपचे में बड़ी आड़ में जाके सामान बेचते हैं, ठीक है, जैसे लगता है कुछ गलत काम चल रहा है, तो ऐसी मार्केटिंग होती है चोर बाजार वाली, ठीक है, जहां पर खुले में नहीं बेचते हो, पर्सनलाइज चीजों को प्राइवेट करके बेचते हैं बड़ा ज्यादा, ठीक है। तो ऐसी मार्केट को जो कहते हैं रिलेशनशिप मार्केट का, ये होता है फोर्थ टाइप पर्सनलाइज मार्केटिंग, ठीक है। अभी सरोजनी वगैरह की बात करो या चावड़ी बाजार या दिल्ली में काफी ज्यादा बड़ी मार्केट है, तो उसकी बात करूं तो वहां पे काफी बार दिख जाता है आईफोन मिल जाता है चोर बाजार में, जो पांच पांच छह छह हजार के दस दस हजार के आईफोन बात कर रहा हूँ, तो वो लोग खड़े भी ऐसे रहते हैं खोपचे में घुसे घुसे, कि आपको छोटी सी एक बाइक मिल जाएगी, बाइक पे दो तीन बंदे बैठे होंगे, फटाफट जल्दी में होंगे, कभी प्रॉपर नहीं दिखाएंगे आपको, जल्दी जल्दी में आप देखिए एक बार, तीन सेकंड आपके हाथ में रहेगा फोन वापस लेने का, जल्दी उतावली रहेगी, सर जल्दी बताओ जो लेना है लो वरना जाओ, ठीक है। तो ये पर्सनलाइज मार्केट, देखो एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप मार्केट, अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स, रिलेशनशिप मार्केट के एग्जाम्पल्स।
पहला एग्जांपल आता है लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है, पहला एग्जांपल है लॉयल्टी प्रोग्राम्स। यहाँ पर कंज्यूमर बिल्ड करे जाते हैं और कंज्यूमर वो बिल्ड करे जाते हैं जो लॉयल्टी प्रोग्राम में आते हैं। कंज्यूमर वो जो लॉयल हो, हर बार आए, ठीक है, वही होगा एक लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है। सेकंड आता है पर्सनलाइज्ड ईमेल। आप रिलेशनशिप मार्केट के एग्जांपल में पर्सनलाइज मतलब प्राइवेटली लोगों को ईमेल करके अपनी मार्केट में अपनी ऑडियंस को कैची कर सकते हो, ठीक है, एक्टिव कर सकते हो, बुला सकते हो। अभी मेरी ऑडियंस कौन सी है? मेरी ऑडियंस है जो मिनिमम 17 साल से लेके 26 साल तक के बच्चे जो हैं, वो मेरी मेजर ऑडियंस है। मेजर बता रहा हूँ, उससे ऊपर भी नीचे भी हैं, बट मेजर ऑडियंस 17 से 26 के बीच में, मैंने चेक किया हुआ अपना यूट्यूब का एनालिस्ट। तो इसमें क्या होता है, पर्सनलाइज ईमेल। अब मैं किसको करूंगा? अगर मान लो मैंने नोटिफिकेशन जाएगी, मैं बच्चों को बूढ़ों को तो नहीं करूंगा, मैं मेजर ऑडियंस को करूंगा। तो मैं करूंगा 17 से लेकर 25 साल तक या 26 साल तक के लोगों को, ठीक है, ऐसे लोग जो कॉलेज ग्रुप के, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है। तो पर्सनलाइज ईमेल इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉलो अप सर्वे। फॉलो अप सर्वे ये भी एक बेचने का टाइप है, ठीक है। आपने कोई शैम्पू बेचा किसी को, दुकान वाले ने किसी को शैम्पू बेच दिया, अपना वो अपने कस्टमर भेज सकते हैं, उनके एड्रेस वगैरह नोट कर लिए। हाँ जी, एड्रेस नोट कर लिए। बड़ी बड़ी शॉपकीपर में नहीं होता है, उसको एड्रेस वगैरह पूछा जाता है, बिल वगैरह क्रिएट किया जाता है। तो एड्रेस वगैरह नोट करके अब उसी एड्रेस पे अपने एक पर्सनल बंदे को भेज दो। भेजने के बाद वो सर्वे करेगा, हाँ जी मैडम आपने 2 महीने पहले हमसे एक एयर कंडीशनर खरीदा था तो वो आपको कैसा लगा, आपने फॉलो अप करने के लिए भेजा। हालांकि अगर उसको बुरा भी लगा ना, तो कभी कभार ऑडियंस जब दिखते ना सामने से फॉलो अप कर रहे बंदे, दूर दूर से आ रहे हैं हमसे बस ये पूछने के लिए कैसा लगा, फॉलो अप करने के लिए, आपके रिव्यूज लेने के लिए, तो इसी जगह लोगों को पसंद आती है और लोग उसके एक रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। आगे बेशक उसको उस टाइम में पसंद ना आया हो, कुछ कमी होगी, मगर उसको लगेगा कि हाँ कंपनी हमारी बातें सुन रही है, यहाँ तक बंदा भेजा है, तो अगली बार वो उसी दुकान पर आएंगे लेने, ठीक है। फॉलो अप सर्वे भी एक सेल्स मार्केटिंग की टेक्निक है। उसके बाद लिखा है अगला सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हो। आजकल आपने देखा होगा, अगर मान लो मैं किसी एक दुकान में गया था जिसका नाम था पिज्जा हट करके। अभी पिज्जा हट में क्या हुआ, मैंने पिज्जा हट में से पिज्जा खाया, मैंने उसको बोला हट इतना गंदा पिज्जा है, मैंने हट बोल के भागा गया। अब उसने सोशल मीडिया पे मेरे को कनेक्ट कर दिया। यार सोशल मीडिया मेरे को पता नहीं कहां से पता चल गया, उसको सबके सोशल मीडिया उसने लिखवा ली होगी कहीं से। अब सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर दिया, मैंने उसका फैन पेज देखा था सोशल मीडिया पे पिज्जा द पिज्जा हट करके, ठीक है। उसके फॉलोवर थे हालांकि 8, फॉलोइंग थी 32,000। तो वो सोशल मीडिया जो हट पेज था, अब उस पर उसने मेरे को फॉलो करा, उस पर मैसेज कर रहा है, हेलो वुड यू लाइक माई पिज्जा, आपने 2 महीने पहले खाया था, आपको पसंद आया, मैं भी सोच रहा हूँ वही पिज्जा खाया था जिसके बदले में पैसे देके नहीं आया था, इसको गुस्सा करके गाली करके आया था। तो सोशल मीडिया, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया रिलेशनशिप मार्केट। मतलब रिलेशनशिप बनाने के लिए ना आप कहीं भी घुस जाओ, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेजेस, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत है। आगे आता है नेक्स्ट, इसका बेनिफिट्स। अब देखो हम रिलेशनशिप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ ली, एक बिल्डअप करना पड़ता है, कनेक्शन बनाना पड़ता है, और इसके हमने टाइप्स पढ़ लिए, एग्जांपल पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान भी है, फायदे भी है। तो फायदे पहले पढ़ लेते हैं। फायदा होता है कि कस्टमर का रिटेंशन बना रहता है, कस्टमर का रिटेंशन बना रहता है, ठीक है। आपको एक बिग बाजार जैसे जहाँ पे क्लोथ्स का शोरूम है, कपड़ों वगैरह के ब्रांडेड शोरूम है, आप जाओ वहाँ पे शॉपिंग करो, शॉपिंग करके आपको अपना नंबर लिखवाना होता है, आपके नंबर पे मैसेजेस आने लग जाएंगे थोड़े टाइम बाद कि अब बिग बिलियन सेल आ रही है, अब जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली पे ऑफर आएंगे, तो आप बोलोगे दिवाली आ रही है, दिवाली पे ऑफर आ रहे हैं, सर आप खरीदना चाहेंगे, आप खरीद लो कुछ। तो ये क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन है, कस्टमर को तंग करने का रिटेंशन बोल सकते हो। कुछ लोगों को तो पसंद नहीं आता, बेसिकली हमको तो नहीं आता पसंद मेरे को, बट उनकी क्या सर्विस होती है, उनका एक तरीका होता है कि आप लोगों को पहले फॉलो अप करेंगे, आप लोग चीजें मैसेज देखोगे, आप बोलोगे दिवाली आ रही है, और आपके दिमाग में अगर नहीं होगा ना, वो याद दिलाते रहते दिवाली आ रही है, 4 दिन पहले मैसेज आएगा, 2 दिन पहले, फिर 1 दिन दिवाली वाले दिन मैसेज आएगा कि आप कुछ खरीदना चाहते तो इस चीज पे डिस्काउंट है। तो अगर आपका मन नहीं होगा, तो अगर आपको कोई डिस्काउंट दिख गया, आंखों से पसंद आ गया, देखते ही बाई चांस अट्रैक्टिव लगा, तो आप जाके खरीद लोगे। तो ये भी एक तरीका, इसके बेनिफिट हो जाते हैं इनकी सेल का। दूसरा आता है इनहैंस लॉयल्टी। आप लॉयल्टी चेक कर रहे हो, ऊपर मैंने एक पॉइंट बताया था लॉयल्टी प्रोग्राम, यहाँ पर कस्टमर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करता है, ऐसा इनहैंस लॉयल्टी करता है, आपका ऐसा माइंड वॉश किया जाता है, ऐसा माइंड वॉश किया जाएगा कि आप 2 की जगह 4 चीजें लेके आओगे उस जगह से, बता रहा हूँ उस प्लेस पे जाके 2 से 4 लेके आओगे और एक पर्सनल रिलेशन क्रिएट कर देंगे। अगला आएगा रिड्यूसिंग मार्केटिंग कॉस्ट। रिड्यूसिंग मार्केटिंग कॉस्ट, यहाँ पर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम पड़ती है, आपको ना कॉस्ट जो मिलेगी अदर वेंडर से, अदर जो मार्केटर्स है उनसे
कम में आपको सामान दिया जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम आपको दी जाएगी, ये दिखाने के लिए कि आपकी यहाँ पे सेविंग्स हो रही है, ठीक है, इतनी ज्यादा सेविंग्स हो रही है आपकी। ऐसा अगला लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, जब आप एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हो तो आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है, कैसे आप बताओ जरा कैसे होगा। सिंपल है, एक बंदा आया राजू मेरे पास, ये दो बाल वाला राजू, अरे छोटा भीम वाला राजू आया शॉप पे, मैंने शॉप में लगा रखे थे भुट्टे, मैंने यहाँ पे भुट्टे इसको बेचे, इसने भुट्टे खा लिए, भुट्टे इसको इतने जबरदस्त लगे, इतने जबरदस्त लगे, ये मेरे को ना 10 महीने की पेमेंट एडवांस दे गया 10 लाख रुपए। अब बोलोगे एक भुट्टा कितने का था, अरे एक भुट्टा मेरा 10,000 का है, ठीक है, तो 10 लाख रुपए की पेमेंट एडवांस दे गया, 10 लाख की पेमेंट एडवांस दे गया, ये मेरा बन गया लॉन्ग टर्म कस्टमर। अब इससे मेरे को हो रहा है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, पैसा ज्यादा समय के लिए आएगा, लंबे समय के लिए आएगा, चलता रहेगा, मेरा बिजनेस तो बंद नहीं रहेगा जब तक इसको भुट्टे नहीं देता मैं 10 महीने तक, तो चलेगा ही ना। हाँ, उसके बाद आता है बेटर फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है, देखो इसने भुट्टे खा लिए राजू ने, अब ये फीडबैक देगा, वाह साहब जी क्या भुट्टा बनाया था साहब जी, मेरी वाइफ ने खाया उसको कल ही, ऊपर चली गई वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, भुट्टा बनाने का फीडबैक भी लेना होता है कि भुट्टा खाया ऊपर चले गया, फिर मैं ऐसा शॉकिंग रिएक्शन, हाँ क्या बात कर रहे हो ऊपर चले गए, सही है फिर तो। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, एक बेटर फीडबैक आपको देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं भी देते तो चलेगा, बट काफी सारे लोग होते हैं इनको लगी रहती है कुछ ना कुछ फीडबैक देने की, जैसे मेरे कमेंट्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देखोगे तो फीडबैक भरे पड़े हैं किसी ना किसी का, कोई थैंक यू, कोई ये कमी बताता है, कोई ये कमी बताता है, कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है दिल से अच्छा है, शुक्रिया ऐसा लेक्चर है, और कोई बोलता है भाई ये कमी ठीक करो, मैं बोलता हूँ ठीक है हाँ ठीक कर लेंगे। तो बेटर फीडबैक, और जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे, मैं ये नहीं कह रहा आप कमेंट ना करो, कमेंट करो, कमेंट नहीं करोगे तो आपको गलतियां नहीं बता पाओगे और ना हम पे पता चलेगा कि हमारी गलतियां हो कहां रही है। कमेंट को पॉजिटिवली लो, पॉजिटिवली लेके उसको ठीक करो, उन कमियों को ठीक करो, सबसे बेटर चीज, ठीक है। हाँ, तो ये थे हमारे बेनिफिट्स रिलेशन मार्केटिंग। अब हम बढ़ने वाले हैं डायमेंशन ऑफ रिलेशन मार्केट। डायमेंशन इसकी क्या क्या होती है, मतलब कि कितने डायमेंशन होती है इसकी, ठीक है। वो तो पहला होता है इसकी डायमेंशन में ट्रस्ट, विश्वास, आपका विश्वास जीतना है इसको, ठीक है। हर एक माँ की पसंद, कमला पसंद, विमला पसंद, पता नहीं मेरे को क्या नाम होता है इसका। तो सबसे पहले आपका एक विश्वास बनाता है, ठीक है, जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, किसकी एड है बताओ बताओ। तो ये एड है भाई घड़ी साबुन की, आपने देखा होगा घड़ी साबुन बेसिकली बेचे जाता है, घड़ी साबुन होता है ना सोप, तो वो जो घड़ी साबुन होते हैं वो बोलते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और विश्वास करने के लिए आप लोग खरीदोगे, इस्तेमाल तो करोगे चाहे एक बार करो, है ना, गाली भी देनी है हमको तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, गाली तो तभी दोगे ना, इस्तेमाल करा होगा तुम्हें, गंदा होगा तभी, तो पहले इस्तेमाल करो, पैसे दो पहले फिर उसके बाद भी गाली दो, कहने का मतलब समझ रहे हो, फ्री में गाली नहीं ले रहे, पैसे दे के गाली दे ले रहे। उसके बाद दूसरा आता है ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद आता है कम्युनिकेशन, बातों करने की, बातें करने की स्किल्स इतनी प्यारी होनी चाहिए बाबा कि सामने वाला जाल में फंस जाए, ठीक है। तो अगर मान लो कभी रिलेशनशिप मार्केट में गए हो तो कनेक्शन बनाना होता है इनको बेसिकली, तो आपसे इतनी प्यारी बातें करेंगे, इतनी प्यारी बातें करेंगे, गर्लफ्रेंड भी फेल। तो भाई कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है ना वो गर्लफ्रेंड से भी जाहिर होती है कथी बिल्कुल, ठीक है। तीसरी चीज जो आती है सेटिस्फेक्शन, आपको इस लेवल का मिलेगा, इससे लेवल का मिलेगा कि सेटिस्फेक्शन उससे ज्यादा कहीं सोची ना होगी, सेटिस्फेक्शन आपको हर एक चीज में मिलेगा, आप जो चाह रहे हो, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सेटिस्फाई किया जाएगा, आपकी नीड्स और आपकी प्रेफरेंसेस देख के आपको चीजें बेची जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। आपकी नीड्स और प्रेफरेंसेस ये नहीं कि आपको चाहिए ये पकौड़े के लिए बेसन लेने आए हो, आपको पकड़ा दिया जा रहा है टूथपेस्ट और हर्बल मेहंदी का पैकेट, ठीक है, ऐसा नहीं, आपकी प्रेफरेंसेस देख के आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। म्यूचुअल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्या म्यूचुअल बेनिफिट्स भाई, म्यूचुअल लोन तो मैंने सुना है, म्यूचुअल बेनिफिट्स, हाँ आप उसके दोस्त बन जाओगे ना, तो दोस्त बनने के बाद चाचा की दुकान हो गई आपके, तो रोज आके घूमो वहां पे, म्यूचुअल बेनिफिट्स तो दे रहा हूँ, तो भाई म्यूचुअल बेनिफिट्स हो गए, आपके चाचा की दुकान हो जाएगी समझ लो फिर, ठीक है। बस पैसे लगेंगे, चाचा की दुकान है तो फ्री में मत जाइए, पैसे लगेंगे, पैसे वाला चाचा है वो चाचा जो खड़ूस होता है, पैसे लेके चीजें देता है वो। अगला आता है कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स, कमिटमेंट क्या होता है, हम ना एक ऐसी चीज करते हैं डायमेंशन मार्केट में, दावे करते हैं, कमिटमेंट बोलते हैं उनको बेसिकली, दावा ये करते हैं कि अगर मैं ये दावा करूं मेरी इस वीडियो को देख के हर एक बच्चे के, हर एक बच्चा जो देख रहा है उसके 100% मार्क्स आएंगे, स्कोरिंग करेगा बच्चा, ठीक है, बट शर्त यह है कि उसने पूरी वीडियो 1 घंटे में देखी, मैंने पूरे 15 लेक्चर 1 घंटे में अगर देख लिए, स्कोरिंग करेगा 100% बता रहा हूं, जाओ
लिख के लड़ो, बात ना हुए तो स्कोरिंग पैसे वापस, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और अभी कमेंट कर दो जाके, ठीक है भाई। तो ये चीज होती है कमिटमेंट, ये चीज होती है कमिटमेंट, ये जो मैं बता रहा हूँ कमिटमेंट होती है कि हम दावा कर रहे हैं ऐसा, अगर जिसने देख लिया ना भाई इतने मार्क्स आ जाएंगे, और जिसने ये चीज खा ली उसके पैसे वापस, ठीक है। माल खराब निकल गया कल वापस ले जियो, कमिटमेंट। ये लोग कमिटमेंट खुला देते हैं, उनको पता कोई वापस देने नहीं आएगा, ठीक है। कल ही मैंने एक ऑफर देखा था जिसपे मिला था 1 किलो घी पे 1 किलो घी फ्री, और घी के साथ घी ही नहीं, पहिया मटर फ्री, पहिया पनीर फ्री, तो घी के साथ पनीर मटर और 1 किलो घी एक्स्ट्रा फ्री, ठीक है। और कमिटमेंट बंदे की ऐसी छाती ठोक के, घी आज खाओगे कल फिर आओगे, मैंने बोला कल फिर आएंगे, गालियां सुनाने हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट सस्टेनेबल मार्केटिंग, हम बात कर रहे हैं किसकी, सस्टेनेबल मार्केटिंग। हम रिलेशनशिप मार्केटिंग पढ़ चुके हैं, पूरा आ चुके हैं नीचे रख, पूरा कंप्लीट करा गए। अब सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होता है, इट सीक्स टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देन मीट कस्टमर नीड्स। कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचता है भाई, ये वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचता है जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करती है। आगे लिखा है व्हाइल मिनिमाइजिंग नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्या होता है, मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज नेगेटिव एनवायरनमेंट, मतलब कि जो ऐसे सेलर होते हैं जो धोखेधड़ी करते हैं, लोग उससे उल्लू बना के चीजें बेचते हैं, तो उन एनवायरनमेंट से आपको बचा के रखता है, उनसे मिनिमाइज आपको बचाएगा। इंपैक्ट एंड प्रमोशन सोशल वेलबींग, कह रहा है कि जो सोशल वेलबींग है वो अच्छा होगा, आपका प्रमोशन जो है वो अच्छा तगड़ा होता है इसमें, सस्टेनेबल मार्केटिंग का प्रमोशन अच्छा होता है और इंपैक्ट अच्छा होता है इसमें, चीजें अगर आप बाय करते हो तो आप एक अच्छे कस्टमर कहलाओगे इनकी तरफ से, क्योंकि इनको जो पैसे लेने, इनकी तरफ से जो पैसा देगा वो अच्छा है ना, बुरा कौन है, सारे पैसे देंगे सारे अच्छे हैं। तो बेसिकली इनका फोकस क्या होता है, कस्टमर की नीड्स चेक करना, कस्टमर की नीड्स क्या क्या है। दूसरी चीज, आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट से बचाता है, जो ऐसे धोखाधड़ी वाले कस्टमर होते हैं तो उनसे बचाता है और मिनिमाइज रिस्क करता है, तो बेसिकली इसका काम ये है, ठीक है। कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग, इसके प्रिंसिपल है भाई, इसने खुद के सिद्धांत लिखे हैं, खुद मैं अपने आज तक सिद्धांत नहीं लिख पाया, अपने खुद के सिद्धांत लिख के बैठा। देखो पहला है कस्टमर ओरिएंटेड, हमारा दावा है, कहता है हमारा दावा है हम कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं, जहां कस्टमर देखा वहां चले गए हम, ठीक है। तो जहां कस्टमर वहां पीछे पीछे लगे रहते हैं, कस्टमर के फोकस करते रहते हैं, तो भाई ये तो स्ट्रोकर ही किडनैपर लग रहे हैं मेरे को, कस्टमर ओरिएंटेड तो लग रही है, ठीक है। ये तो कस्टमर ना होते, ये तो किडनैपर होते, पीछे पीछे लग जाए बस, क्या तो हो ही रहा है। दूसरा दावा, हम इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। तीसरा दावा, हम स्टेक होल्डर्स लेते हैं, और चौथा, हम प्रॉफिटेबल होते हैं। प्रॉफिटेबल पहले ये पूछो, प्रॉफिटेबल अपने लिए है, ये प्रॉफिटेबल कस्टमर्स के बिहाफ पे है, कस्टमर के लिए तो ठीक है, अपने लिए ही प्रॉफिटेबल है, अपने ही पैसे छापने हैं तो कस्टमर का क्या फायदा, हमें क्या मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला भाई। तो भाई यहाँ पर ये प्रॉफिटेबल भी होते हैं, स्टेक होल्डर्स वगैरह भी देते हैं, इंटीग्रेटेड भी होते हैं और ओरिएंटेड भी होते हैं, ये चारों चीजें होते हैं, इनके ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और नीचे बात करते हैं इश्यू इन सस्टेनेबल मार्केटिंग, इश्यूज इन सस्टेनेबल मार्केटिंग में। तो अब हम देख रहे हैं कि कस्टमर के साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं, मैंने बताया था कंटेम्परेरी इशू पढ़ रहे हैं, कंटेम्परेरी इशू में अब हम इशू पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल मार्केटिंग में मोस्टली इशू होते हैं, रिलेशनशिप में नहीं थे क्योंकि वो रिलेशन बिल्ड कर रहा, बट सस्टेनेबल मार्केटिंग में कुछ इशू आएंगे कंफर्म है। तो पहला जो इशू है वो है हमारा, सबसे पहला पहला है बैलेंसिंग इकोनॉमिक। आपको अभी बताया था कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है, तो इश्यू होता है बैलेंसिंग, लोगों को संतुलन बनाए रखने में दिक्कत आती है भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको 10-10 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ लोग 30-30 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। दोनों में से पहचान नहीं पाओगे सच्चा कौन सा झूठा कौन सा, 10 वाला तो ले लोगे सस्ते के मारे, मगर 10 वाले में कुछ नहीं निकलेगा, झाग निकलेगा, और 30 वाले में बढ़िया निकलेगा जो कि ओरिजिनल निकलेगा, ठीक है। दोनों ही अलग ही उल्लू बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना है, और कभी कभी तो दोनों ही उल्लू बनाते हैं, ये 30 वाला भी झाग वाला होता है, 10 वाला भी झाग वाला होता है। अब कस्टमर क्या करेगा, देखो कस्टमर अभी आएगा, कस्टमर को एक बोलेगा भाई 10 रुपए के 3 है शैम्पू, एक बोल रहा है 30 रुपए के 3 है शैम्पू, सेम क्वालिटी सेम ब्रांड सेम पैकेज। अब कस्टमर क्या बोलेगा, जब 10 के 3 दे रहा है, पहले तो 10 के 3 यूज करेगा, 10 के 3 क्या जाएंगे खराब जाएंगे, बट अगर 10 के 3 खराब जाएंगे तो कस्टमर क्या करेगा, 30 के 3 लेगा कि भाई ये अच्छा हुआ जरूर, तभी ये 30 महंगे दे रहा, 30 के 3 लिए खराब गए, उससे 2 गुना एडवांस पैसे कमा लिए उस बंदे ने, है ना, 2 गुना एडवांस पैसे कमा लिए, वही चीज देखिए घटिया उसने, ठीक है। कस्टमर ने अब यूज कर लिया, यूज करके प्रोडक्ट तो है नहीं उसके पास जो वापस करेगा,
वापस करने के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट वापस करने के लिए नहीं है तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर कुछ नहीं चुपचाप चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग इकोनॉमी, इकोनॉमिक बैलेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा उसके बाद लिखा है यहाँ पे ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट जब होता है जब बिल्कुल अच्छा होता है, बट यहाँ पर एनवायरनमेंट ग्रीन नहीं होता है, यहाँ पे नॉन ग्रीन एनवायरनमेंट होता है जिसकी वजह से त्राही 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 तहस नहस सब चीजें फैली हुई है, कस्टमर का काटा जा रहा है फटाफट फटाफट, ठीक है। कस्टमरों को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलती, बहुत बार ऐसा हो जाता है। उसके बाद आता है नीचे नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग एनवायरमेंट इंपैक्ट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो हो रहा है उस पर एनवायरमेंट इनफेक्ट वो नहीं पड़ना चाहिए, इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है उस जगह पे एनवायरमेंट का गंदी नजर पड़ गई तो भाई सारा प्रोडक्शन तौबा 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 खराब हो जाएगा भाई, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है लास्ट में मैंने, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट इंपैक्ट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, किसका, एनवायरमेंट का, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे एक लास्ट पॉइंट है इसका, मीटिंग इन्वॉल्विंग कंज्यूमर्स, क्या है मीटिंग इन्वॉल्विंग कंज्यूमर्स, ऐसे कंज्यूमर्स जो इन्वॉल्व होते हैं मीटिंग्स में, जो चीजों को बाय करने के लिए आगे आ जाते हैं अपने आप ही, ठीक है। अब ये ना एक इशू है, पता है क्या, मान लो आप एक मार्केट में गए, ये मार्केट है, ये शॉपकीपर है और ये वो है खरीदने वाले लोग हैं, और आप इसमें से ये रहे, आपका दोस्त ये खड़ा है, और ये जो बाकी लोग है ना ये सेल्स पर्सन की साइड से है, जो सेल वाला बेच रहे हैं ना ये दुकानदार, ये इसी की साइड से है। अब आप यहाँ पे बोली लग रही है, नीलामी हो रही है, क्या हो रही है, नीलामी बोली चल रही है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है एक चीज है, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, जैसे शूज है, बढ़िया क्वालिटी के शूज के प्राइस है 500 रुपीज, कितने 500, अब ये सारे नीलामी में खड़े हैं, आपने बोला 510, आपने कितना बोला 510, आपका दोस्त 520, ये बगल वाले 700 रुपए, सीधा 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए, 15000 रुपए भाई, सीधा सीधा, ठीक है। अब हालांकि ये सेल्समैन इन्हीं के हैं बंदे, खरीदना नहीं है, बट आप होल्ड में ज्यादा पैसे दोगे, आप बोलोगे इतनी ज्यादा कीमत है इसकी, चलो 1200 रुपए पे आ जाओ, तो बाकी जो 1500 वाले बोलेंगे भाई मेरे को नहीं पसंद आ रहा, आप पीछे को 1200 दे दो, 1200 में उसका छूने लग गया। तो यहाँ पे लिखा है मीटिंग इन्वॉल्विंग कंज्यूमर, अपने ही कस्टमर से आप लोगों को मिलवाते हैं, उल्लू बनाने का तरीका, ठीक है। अगला आता है उसके बाद रूरल मार्केटिंग, अब हम रूरल मार्केटिंग पढ़ने जा रहे हैं, हमने रिलेशनशिप पढ़ लिया, हमने सस्टेनेबल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं रूरल मार्केटिंग। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो भाई कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, मैसेज करो फटाफट से नोट्स खरीदो, और ये जो सारे पॉइंट्स है ना उसमें सारे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी बाकी पॉइंट्स के, ठीक है। कह रहा है रूरल मार्केटिंग में इट्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉन अर्बन एरियाज, कह रहा है कि ये सेल करते हैं अपने गुड्स और सर्विस नॉन अर्बन, गैर शहरी क्षेत्र, क्या बोलते हैं, क्या बोलते, क्या बोलते हैं बच्चों, गैर शहरी क्षेत्र, नॉन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो कहां पे सेलिंग करता है, नॉन अर्बन एरियाज में सेलिंग करता है गुड्स और सर्विसेज की, लोअर इनकम लेवल वाले लोगों को, कैसे लोगों को, लोअर इनकम लेवल वाले लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके पास भूखे नंगे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मैंने भूखे नंगे बोल दिया, नहीं भूखे नंगे नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, थोड़े थोड़े भूखे हैं, थोड़े थोड़े नंगे, ठीक मैंने फिर बोल दिया, चलो छोड़ो यार कैसे भी भूखे नंगे रहने दो उनको, ज्यादा कपड़े नहीं पहनाते, हाँ। तो लोअर इनकम लेवल, लोअर इनकम लेवल मतलब जिनकी इनकम कम है, ऐसे लोगों को चीजें और प्रोडक्ट बना के बेचा जाएगा, उसको नॉन अर्बन एरियाज में, उसको बोलते हैं हम रूरल मार्केटिंग, ठीक है, रूरल मार्केटिंग। कह रहा है लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास लिमिटेड एक्सेस होते हैं, पैसा लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, और क्वालिटी लिमिटेड है। आप चाहो कि आपको आईफोन मिल जाए गाँव जैसी जगह पे, तो वहां पे बहुत लिमिटेड केस में मिलेगा आईफोन वगैरह, वरना वहां पे ना भाई आईफोन आईफोन नहीं मिल रहा उधर, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ रूरल मार्केटिंग, अब कंपोनेंट समझ लो, रूरल मार्केटिंग के कंपोनेंट क्या होते हैं, जो कि गांव वाले जैसे लोगों के लिए बनाई जाती है रूरल मार्केटिंग, तो उसके कंपोनेंट है। पहला आता है प्रोडक्ट एडेप्शन, प्रोडक्ट एडेप्शन, प्रोडक्ट की बहुत एडेप्शनेशन होती है, मतलब बहुत कम चॉइसेस होते हैं प्रोडक्ट के, आप ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ले सकते, जैसे आपको पता है यहाँ पे कितने शैम्पू आते हैं, डव, चिक, क्लिनिक प्लस, सन सिल्क, और हेड एंड शोल्डर, और भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, मैंने 5 तो गिनाई दिए, बट वहां पे आपको प्रोडक्शन एडप्शन बहुत कम मिलेगा, 2 या 1, ठीक है। वहां पर आप चॉइस नहीं रख सकते, ये मेरे को चिक चाहिए भैया, चिक 1 रुपए वाला चिक, और देगा गाल पे चमाचा चिक,
ठीक है। आगे आया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बड़े यूनिक होते हैं, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही होते हैं। तो वहां पे बांटने के लिए आप सेल्स पर्सन एज अ फिजिकल सेल्स पर्सन रख सकते हो, मतलब कि कस्टमर के घर घर जाके बेच सकते हैं वैसे वाले। आप उसकी जगह वहां पे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकते, न्यूज़पेपर में नहीं डाल सकते इतना ज्यादा एडवर्टाइज कराएंगे, तो इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होती है कंपोनेंट। और बाकी रूलर की बात कर रहे हैं तो रूलर में कम होती है, हो सकता है आप डेवलप हो गई तो हो जाए ज्यादा। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है, प्राइस जो है वो कम ले मिल जाता है, लो रेट पे मिल जाता है। मैंने अभी बात करी कि लोअर है, लिमिटेड है और एक्सेस नहीं होते ज्यादा, और जो ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ऐसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिनके पास बेसिकली कम पैसा है, अर्निंग इनकम कम है आपकी, तो उनके लिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखी जाती है। आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज के बाद आपके घर घर आके पूछेगा, आपने चिक शैम्पू लगा लिया एक दिन मैं गाँव में बैठ गया, आफ्टर सेल सर्विस तो इनकी एकदम तगड़ी है। मैं गाँव में बैठ गया, मैं गया दुकान में, मैंने लेके ले लिया चिक का शैम्पू, चिक शैम्पू लेके मैं आया, मैं नहा ही रहा था, मैंने कच्चा अच्छा उतार गया, मैंने उड़ा दिया, मैंने नहाने बैठ गया। और गाँव में तुम लोगों को पता कि जो संडास होता है, जो बाथरूम होता है खुला खुला होता है, मैं भी बेधड़क शाही शाही में हूँ, नहीं मैं रणवीर सिंह टाइप का हूँ, तो मैं गया मैं नहाने लगा, पीछे से सेल्स पर्सन नॉक करके, नॉक करने के लिए गेट ही नहीं, अब नॉक भी क्या करेगा बेचारा, जूते पहन के वो चप्पल पहन के आया था एक्चुअली, चप्पल और कच्चे में, आगे पीछे से देख रहे हैं, बाबू जी शैम्पू में झाग तो आ रहा है ना, मैं नहा रहा हूँ, मैं साबुन लगा रहा हूँ, मेरी आंखों में मैं मल रहा हूँ, कौन है ये, कौन आगे। तो भाई ये होती है फीडबैक टेक्निक, ठीक है, जो मैंने बेसिकली बताया आफ्टर सेल सर्विस। हालांकि मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ नहीं है, ना होएगा कभी, होना भी नहीं चाहिए यार, बहुत गंदी चीज है। हाँ तो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विस, सेल सर्विस बेचने के बाद आप सर्विस दे रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, अच्छी चीज है, बट ऐसी जगह फीडबैक ना हो जहाँ फीडबैक देने की हालत भी ना हो बंदा, उसका खुद का फीडबैक बना हुआ है कि कल के पासपोर्ट साइज फोटो में मेरा नाम ना आ जाए, ऐसे नहाते नहाते पकड़ लिया किसी को, ठीक है। अगला आता है उसके बाद मार्केट रिसर्च, आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। मार्केट रिसर्च मतलब आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए, जैसे आपने चिक लिया, डब लिया, हेयर शोल्डर लिया, आपको अलग अलग वेराइटीज जो है वो ट्राई करना चाहिए, जिससे आपको बेटर क्वालिटी कंज्यूमर को मिलती है, सेटिस्फेक्शन पता चलता है कि चीजों में किस प्राइस रेंज पे क्या सेटिस्फाई मिल रहा है। मान लो अगर मैं कोई शैम्पू खरीदता हूँ चिक एक रुपए का, जो मेरे को ज्यादा स्मेली स्मेली लगता है, अच्छी सॉफ्ट स्मेल नहीं आती, गंदा सबसे, अगर मैं खुद बताऊं मेरा सबसे ज्यादा गंदा शैम्पू कौन सा लगता है, पहली चीज तो डव, दूसरा हेड एंड शोल्डर, तीसरा चिक, ये मेरे को तीन सबसे गंदे शैम्पू लगते हैं, सबसे बदबूदार शैम्पू सच्ची। तो बाकी जो शैम्पू वो ठीक ठाक है, बट कि मैं यूज कोई सा नहीं करता, मैं तो अपना साबुन से बाल में भी ऊपर नीचे, ठीक है। तो भाई बेसिकली ज्यादा नीचे नहीं जाते हम, बस यहां तक आएंगे। मार्केट मार्केट रिसर्च जो है वो हमें देखना चाहिए, कंज्यूमर को मैं बता रहा था कि मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, वो सारी चीजें। अब देखो ये जो चैप्टर है कंटेम्प्रेरी मार्केट इशू का पार्ट वन, अभी थोड़ा सा रहता है, 80% कवर हो गया, आप इसको उतारो, मैं जितना मैं दूसरा लिखवाता हूँ मिटा के फटाफट इसको उतारू। हाँ भाई, तो अभी जो मैंने बताया था वो आपने उतार लिया होगा, अब मैं बताने वाला हूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रूरल मार्केटिंग के। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, फिर आपको हम बताएंगे स्टेप्स, फिर हम बात करेंगे इसके डाइवर्सिफिकेशन की, फिर हम बात करेंगे इंपोर्टेंस, और रूरल मार्केटिंग मिक्स के आपको चार स्टेप्स बताएंगे, ठीक है। इन चार चीजों को बताने के बाद आपका टॉपिक हो जाएगा कवर पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इसके कैरेक्टर क्या क्या है। पहला आता है लो पर कैपिटा इनकम, आपको पता होगा लो पर कैपिटा इनकम मतलब होता है कि जब जिस जगह पे एक रूरल एरिया जो होता है वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम अगर किसी चीज को बाय करने के लिए कम होती है, तो उनको मिनिमम अमाउंट पे कम अमाउंट करके लोअर अमाउंट पे एक लोअर लिमिट में चीजों को प्रोवाइड करवाने का तरीका जो है वो कहलाता है हमारा क्या, लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, क्लियर है बात। पॉइंट नंबर सेकेंड है बैलेंसिंग रीजनल डिपार्टीज, कह रहा है बैलेंसिंग रिलीजन डिपार्टीज, इसका मतलब होता है कि जो छोटी मोटी रिलीजन डिपार्टीज है, मींस जब हम चीजों को बनाते हैं प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो हम ये देख के बनाते हैं कि प्रोडक्ट जब हम बना रहे हैं तो हमारी मेजर ऑडियंस कौन सी होगी, ऑडियंस को सॉरी ऑडियंस को हम क्या करते हैं बैलेंस करेंगे, हम उसको डिसपार्टीज कर देते हैं। हम जब प्रोडक्ट बना रहे हैं कभी कभी जब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो, मान लो हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको पहले असेंबल करते हैं, मान लो अगर हम एक फोन बना रहे हैं तो फोन की ये हो गई रैम, ये हो गया फोन का कवर, ये हो गया फोन का अडेप्टर, ये हो गया चार्जर, ठीक है, ऐसे मैंने फोन के 5-6 पार्ट बना दिए, ठीक है। अब इस पार्ट को डिसपार्टीज बोलेंगे, अलग अलग चीजें करके मैंने बना दी, ठीक है। अब ये पार्ट अगर मैंने सारे के सारे कंबाइन करके एक फोन बना के लोगों को दे रहा हूं, तो वो चीज कहलाता है हमारा बैलेंसिंग रिलीज एंड डिसपार्टीज, ठीक है।
अब लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अलग से चार्जर अलग से ये बाय कर पाए, तो उस जगह पे लो कैपिटल इनकम पर उन लोगों को हम दिस पार्टीज प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, मींस सारे प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करके एक कंबाइंड प्रोडक्ट बना के उनको बेच सकते हैं। ठीक है, अगला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, ये एक चैलेंजेबल कॉन्सेप्ट बन जाता है। लोगों को ये बाय कैसे करवाए, लोग इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि आपको पता है वहां पर एक नया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि जो पुराना हमारा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग चीजें बड़ी हाई रेट की होती है, और बनी हाई रेट की चीजें मिनिमम लो वाले, मिनिमम अमाउंट वाले लोग नहीं बाय कर सकते, तो उनके लिए हमें जो कंसिडर्ड अमाउंट है वो रखना पड़ता है, एक ऐसा प्राइस रखना पड़ता है, एक ऐसा प्राइस जो है वो बैलेंस तय करना पड़ता है जिस अमाउंट पे लोगों को चीजें प्रोवाइड करा सके। तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा मॉडर्न डेवलप होना चाहिए। आगे लिखा है लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट। देखो ये लार्ज मार्केट तो है, हम अगर बात कर रहे हैं रूलर में तो नॉन अर्बन लोगों के लिए, तो नॉन अर्बन लोगों के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड मतलब एकदम सिकड़ा हुआ। तो जैसे कि स्कैटर्ड मार्केट हम बात पढ़ रहे हैं, तो स्कैटर्ड मार्केट में ये ऐसा हो जाता है कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चीजें बिल्कुल जाके छोटी हो जा रही है, देखो यहाँ पर इतना ज्यादा है फिर ज्यादा पतला हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस जगह पे माल जो है वो लार्ज नंबर पे आ रहा है, यहाँ से तो लार्ज आ रहा है मगर ऊपर जाके स्कैटर्ड है, लोग बाय नहीं कर रहे हैं। तो जब तक लोग बाय नहीं करते जब तक उसके आगे हम आगे प्रोडक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि लोगों को पुराना माल बेचना भी तो है, जब तक चीजें खरीदी नहीं जाएगी तब तक आगे कैसे डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद है स्टेप्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। अभी रूरल मार्केटिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, पहला आता है अंडरस्टैंडिंग रूरल मार्केट। आपको रूरल मार्केट समझना होगा पहली चीज, तो जब तक रूरल मार्केट आप नहीं समझोगे या रूरल मार्केट को अच्छे से नहीं ऑब्जर्व करोगे तब तक वहां के लोगों को और वहां की पर कैपिटा इनकम को और वहां के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से लोगों से प्रोडक्ट बाय करते हैं वो चीज आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रूरल मार्केट। ठीक है, पॉइंट नंबर बी है, यहाँ पे लिखा है मैंने प्रोडक्ट अडेप्शन। प्रोडक्ट अडेप्शन अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था जब वहां लिखवाया था मैंने उस साइड, ठीक है, वो मैंने मिटो दिया सारा। प्रोडक्ट अडेप्शन मतलब होता है प्रोडक्ट अडेप्ट करने से पहले उसको मार्केट रिसर्च करो, आप देखो कि जेन्युइन प्रोडक्ट है या फिर कोई फेक या डुप्लीकेट ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो जब आप अडेप्शन करते हो तो आपको मिलता है एक बेटर प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप उसको लो। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या होती है कि बांटने के लोगों, तो नॉर्मली आप जो फिजिकल सेल करते हो वो कर सकते हो, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये रूरल मार्केटिंग है तो पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम इनके लिए फ्री सैंपल्स देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में फ्री सैंपल्स वगैरह बांट सकते हैं एडवर्टाइज की तरह से, एक तरह प्रमोशन करने के लिए। ठीक है, हम इसमें कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि बेसिकली नॉन रूरल अगर बात कर रहे हैं, गैर शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती कि वो अपने घर में टीवी एसी लगा लो के देख सके, ठीक है, एडवर्टाइज कर सके, इतना ज्यादा प्रमोशन करने के लिए ना उनका पैसा होगा ना उनको देखने के लिए कुछ होगा। थर्ड चीज हमारी हो गई है, फोर्थ चीज हमारी आती है प्रमोशन। प्रमोशन आपको मिनिमम लेवल पे करना होता है, क्योंकि ये मार्केट ज्यादा स्कैटर्ड होती है, थोड़ी सी सिकुड़ी हुई होती है, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स से होती है, तो इसी वजह से प्रमोशन इसी को देख के करना चाहिए। ये अगर मान लो शहर में होता, शहरी एरिया में क्या होता है कि प्रमोशन आप जितना ज्यादा बड़ा कर दो आपकी ऑडियंस उतनी ज्यादा लंबर की होती है, बट यहाँ पर ऑडियंस थोड़ी एक तो पैसे बचाने वाली होती है, सस्ती होती है, इस जगह पे आप ज्यादा पैसा फेंक भी दो प्रमोशन कर भी दो फिर भी आपका प्रमोशन वेस्ट जाएगा, लोग तो उतने ही है ना खरीदेंगे नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा आपने प्रमोशन कर दिया तो बहुत ही मिनिमम चांसेस आप प्रमोशन ज्यादा करो। उसके बाद आता है डाइवर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग का डाइवर्स है इंक्रीज रूरल इनकम। पहली चीज तो रूरल इनकम बढ़ानी है, पहला मोटिव यही होता है कि रूरल जो गांव के जो लोग हैं ना उनकी इनकम को इंक्रीज किया जाए। जब तक पर कैपिटा इनकम आपकी नहीं बढ़ती तब तक वहां के लोग आपकी चीजें आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, वहां के जो लोग हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो चीजों को खरीद सके, तो इंक्रीज करनी है पहले रूरल इनकम को। दूसरा आता है राइजिंग अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस बतानी चाहिए। शहरी लोग क्या होते हैं, शहरी पप्पू जो होते हैं ना, तो वो लोगों को पता होता है हर चीज का कि कौन सा प्राइस कितना है,
एमआई का फोन आ रहा है, अभी रेडमी का आ रहा है, अभी आईफोन आ रहा है, अभी सैमसंग का कोई आ रहा है, अभी लेटेस्ट कोई आ रहा है, तो सबके प्राइस पता रहता है कि इसका क्या काम है, वर्क पता रहता है, बट गांव के लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे राइजिंग अवेयरनेस आपको देनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट का यूज क्या होता है। प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाएंगे तो लेके भी क्या फायदा, वो जैसे पढ़ा रहेगा वो बोलेंगे इसको यूज कैसे करते हैं, यूज ही नहीं आएगा। तो राइजिंग अवेयरनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रूरल मार्केटिंग मिक्स की। रूरल मार्केटिंग मिक्स में टोटल 4P स्ट्रक्चर होता है। देखो मैं 4P का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, 4PS का भूलना मत, 4PS का स्ट्रक्चर्ड होता है। पहला जो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4P याद रखना, पी से प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। दोबारा बोलू, प्रोडक्ट वस्तु, प्राइस कीमत, प्लेस आपकी जगह, प्रमोशन उसका विज्ञापन। तो 4P का स्ट्रक्चर होता है रूरल मार्केटिंग मिक्स में। ये चारों चीजें मिलके एक किसी भी बिजनेस को डेवलप करती है। पहली चीज तो प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा। मान लो प्रोडक्ट एक आईफोन, उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस है 75,000 से 1,00,000, 1,00,000। प्लेस क्या होगा, कहाँ बेचना, गाँव में, शहर में, तो हमने बोला शहर में, तो हमें अर्बन में बेचने में। उसके बाद प्रमोशन कैसे करोगे, प्रमोशन भी तो जरूरी है लोगों का पहुंचना। ऑडियंस नहीं पहुंचेगी तो कैसे करोगे भाई काम, ऑडियंस ही नहीं आएगी तो खरीदेगा कौन, आप ही खरीद लोगे अपना फोन बना के। प्रमोशन के लिए आपको पैसे डालने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट में थोड़ा ज्यादा खर्चा आता है। एडवर्टीजमेंट मैनी टाइप्स की होती है, जिसके ऊपर एक पूरा बेसिकली चैप्टर बनाया हुआ है प्रमोशन के नाम से, प्रमोशन चैप्टर से आयद 8वां नोवा लेक्चर है, वो जाके मेरा चेकआउट कर लेना एक बार, वीडियो पे नोवा जैसा हो सकता है होगा, वो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। प्रमोशन के ऊपर भी, प्राइस के ऊपर भी, दोनों के ऊपर एक अलग अलग प्राइसिंग के ऊपर भी पूरा कॉन्सेप्ट है, 40 मिनट्स का लेक्चर है पूरा प्राइसिंग पे। तो रूरल मार्केटिंग मिक्स के बेसिकली 4 पॉइंट होते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस बताओ, फायदे क्या क्या होते हैं। तो पहला फायदा तो यही होता है कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ होती है, जो आपकी इकोनॉमिक है वो बढ़ती है, वो डेवलप हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। दूसरा होता है जॉब क्रिएशन, आप जॉब क्रिएट कर रहे हो, आप जॉब दे रहे हो, जॉब प्रोवाइड करते हो किसको, भाई रूरल में जो लोग हैं, जो आसपास के जो रहते हैं, तो उनको आप जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हो। तीसरी चीज आता है सोशल इम्पैक्ट। देखो सोशल इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, सोशल इम्पैक्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक सोशल लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको लगेगा नहीं कि सोशल फ्रेंडली हमारा बिजनेस है, तब तक वो उसको चलने नहीं देंगे, कोई चीज बाय नहीं करेंगे। वो छोटे लोग वैसे भी ज्यादा सोचते हैं, तो सोशल इम्पैक्ट को ज्यादा देखना पड़ता है। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन, आपको चीजों को अलग अलग रूप से मॉडर्न करके दिखाना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा चीजों का। डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, काफी सारे लोग होते हैं जो चीजें लेना चाहते हैं, बट कुछ चीजों में ऐसी चीजें होती हैं जो वो नहीं बाय करना चाहते, ठीक है। तो इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है चीजों को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूरल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद आपका पूरा चैप्टर जो है कंटेम्प्रेरी इशू इन कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग 1 वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, वो कंटेम्प्रेरी इशू इन मार्केटिंग 2 की आएगी, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, जरा से भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर दो कि हमको मैसेज कर दो कि आपको नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स बाय करने हैं, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के नोट्स मिल जाएंगे। आप सब्जेक्ट बता दो, अपना कोर्स बता दो, ठीक है, और नोट्स को आप इजीली मिनिमम अमाउंट देके पे करके खरीद भी सकते हो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए इतनी, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और अब आप इसको भी उतार लो, मैं हट रहा हूँ।